राजधानी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरनकी गांव में बीती रात चली ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान प्रमोद बजाड़ के रूप में हुई है, जिसको नीरज बवानिया गैंगस्टर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। प्रमोद बजाड़ पर गैंगस्टर अमित भूरा को पुलिस कस्टडी से भगाने व पुलिस से हथियार छीनने के केस दर्ज थे। पिछले कई सालों से ये जुर्म की दुनिया छोड़कर गांव में ही अपना बिजनेस कर रहा था और सामाजिक कार्यों में भाग ले रहा था। लेकिन बीती रात प्रमोद बजाड़ के घर के पास ही तीन युवक बाइक पर सवार थे। जैसे ही वो अपने प्लॉट से घर के पास पहुंचा तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रमोद को करीब 10 गोलियां लगी और प्रमोद की मौके पर मौत हो गई। तीनों युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गैंगवार की बात नहीं कही है। बाहरी उत्तरी जिले के DCP ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमोद सुपुत्र सुखबीर सिंह, जिसकी उम्र 38 वर्ष है, उन्हें गोलियां लगी थी और उन्हें तुरंत मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके पर 9 खाली गोली के खोल भी मिले हैं, जो अलग अलग जगह पर गिरे हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जाँच में जुटी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।